हेलो गाइस, कैसे हो? तो दोस्तों, अभी अभी यूए गवर्नमेंट ने 4 छुट्टी के अनाउंसमेंट किया है। वो भी रियल न्यूज़ है दोस्तों, आप लोग इसे फेक न्यूज़ नहीं समझना, क्योंकि मैं बहुत रिसर्च करके मैं अपने वर्कर भाई के लिए इस तरह का वीडियो लेकर आता हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई भी गलत न्यूज़ देना कितना बड़ा अपराध है, शायद जो लोग यहाँ पे हैं उन लोगों को पता है। तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, क्योंकि ये अपडेट सिर्फ मैं अपने वर्कर भाइयों के लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि अगर छुट्टी होता है दोस्तों, तो सारे लोगों को खुशी का माहौल एक अलग ही होता है। हम लोग यहाँ काम कर 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 थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब गवर्नमेंट छुट्टी का अनाउंसमेंट करती है तो हम लोग को डबल खुशी हो जाती है। तो प्रॉपर इस पर आपसे बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट करना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं अपने वर्कर भाइयों के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो ये छुट्टी क्या है दोस्तों, आपको पता है कि दिसंबर में यहाँ पे नेशनल डे का छुट्टी होता है। जो नए हैं उन लोगों को पता होना चाहिए, जैसे हमारे इंडिया में 15 अगस्त का छुट्टी होता है दोस्तों, उसी तरह यहाँ पे नेशनल डे का 2 दिसंबर को छुट्टी होता है, जो 2 दिसंबर को नेशनल डे रहता है। बट इस साल गवर्नमेंट ने क्या किया, और भी साल एक थोड़ा दिन पहले आपको पता है, 3 4 साल 5 साल पहले कि गवर्नमेंट को बहुत सारा यहाँ का सेना मतलब मर गया था, वो भी सऊदी में। सऊदी में जब यमन और सऊदी का लड़ाई हुआ था तो वहाँ पे मर गया था, तो उसके उपलक्ष्य में शहीद दिवस यहाँ पे मनाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे एक दिन पहले शहीद दिवस मनाया जाता है, मतलब 1 दिसंबर और 30 दिसंबर को लगभग मनाया जाता है। तो 2 दिन उसका छुट्टी हो गया दोस्तों, और एक हो गया आपको नेशनल डे का, और तीसरा चौथा छुट्टी जो दोस्तों वो संडे पड़ रहा है। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर छुट्टी आपको इधर उधर भी है तो सारे छुट्टी एक में मिला देती है, ताकि वर्करों को मतलब जो छुट्टी का मज़ा है वो अच्छे से मिल सके। तो ये अपडेट था दोस्तों कि छुट्टी वाला जो अपडेट है, तो थोड़ा दिन पहले ही ये अपडेट बता दिया गया है, ताकि जिन लोगों तक ये खबर ना पहुंच सकता है। और आपको ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों, कि अगर नेशनल डे में अगर कोई भी कंपनी अगर आपसे काम करा लेती है और काम करा कर पैसे अगर नहीं देती है, तो आप चाहो तो कंप्लेन कर सकते हो। नेशनल डे के दिन तो काम लगभग नहीं के बराबर होता है, और जैसे मान लीजिए 4 छुट्टी है, तो आप अगर बीच में काम कर लिए और उसका पैसा अगर कंपनी नहीं दे रही है हॉलीडे का, तो आप चाहो तो मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो दोस्तों, और कंपनी के ऊपर बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। बट आपको एक हिम्मत जुटाना पड़ेगा। आप सोचते हो कि नहीं, कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, बट आप राइट में रहना चाहिए। तो आपकी मर्जी, अगर कंपनी आपको काम करा रही है इस छुट्टी में, बड़ा वीकेंड चलेगा दोस्तों, तो उसमें अगर काम करा रही है तो कंपनी को पैसा लाजिम देना पड़ेगा। अगर नहीं देगी तो आपके ऊपर है, आप कंप्लेन करोगे तो मिलेगा, कंप्लेन नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। बट हम लोग जो जैसा कंपनी में दोस्तों, और ज़्यादातर कंपनी जो बड़े बड़े कंपनियाँ हैं, वो वर्करों को ओवर टाइम के तौर पर कराते हैं, क्योंकि 4 दिन का छुट्टी बड़ा हो जाता है। वर्कर भी चाहता है कि दोस्तों 2 दिन छुट्टी कर ले और 2 दिन हम अपना काम कर ले। बहुत सारा वर्कर 4ों दिन छुट्टी कर लेता है, तो वर्कर के ऊपर डिपेंड पड़ता है। मिलता हूँ दोस्तों नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ, और जो भी कन्फ्यूजन है चलता है वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ कमेंट करो, आपका भाई जरूर रिप्लाई करेगा। जब तक जय हिंद।